Hello viewers, welcome to my channel. I am Rashmi, your maths teacher. Today with another question from chapter number 6, triangle, exercise 6.4, question number 8. ABC and BDE are two equilateral triangles such that D is the midpoint of BC. तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक फिगर बना लेते हैं. तो यहाँ पे ABC और BDE ये दो ट्राइंगल हैं. तो पहले मैं यहाँ पे एक ABC ट्राइंगल ड्रॉ किया. ये ABC, ये इसका नेमिंग कर दिया ABC और D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. तो ये D बना दिया मिड पॉइंट ऑफ BC. अब यहाँ पे देखो हमें ABC और BDE दो इक्विलेटरल ट्राइंगल है. ये देखो ABC और BDE दो इक्विलेटरल ट्राइंगल है. तो इसका मतलब हमें यहाँ पे कोई पॉइंट लेना है E और इसको ज्वाइन करना है, तभी तो यहाँ पे ट्राइंगल बनेगा. तो ये मैंने बना दिया BDE, ठीक है. और D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. तो रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ, तो ये भी आपको समझ में आ गया. यहाँ पे हमें इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो चाहिए और यहाँ पे ट्राइंगल हमें क्या है, इक्विलेटरल. तो मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन भी बताया कि दो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं. तो बाय कौन सी प्रॉपर्टी से, एंगल 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 प्रॉपर्टी से, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल क्या होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, सिंस ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी डी ई आर इक्विलेटरल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, हैंस ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी डी ई. कौन सी प्रॉपर्टी के क्राइटेरिया से, बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी. क्योंकि यहाँ पे ये एंगल भी 60, ये भी 60, ये भी 60, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और एबीसी में ये भी 60 और ये भी 60. तो तीनों एंगल 60 60 60 के हो गए, तो ये ट्राइंगल क्या हो गया, सिमिलर. अब हम यहाँ पे क्योंकि हमें एरिया चाहिए, तो ऑब्वियस हमें एरिया थ्योरम लगाना है. तो एरिया थ्योरम क्या होता है कि आपको यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट लिखना है कि इसे मैं यहाँ पे सीधा लिख रही हूँ थ्योरम नंबर आपको, लेकिन पूरा स्टेटमेंट लिखना है फ्रॉम थ्योरम नंबर 6.6. वो क्या है, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स. तो यह पूरा लिख लेना. तो उसके बाद में यहाँ पे उस स्टेटमेंट का मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें पहले कौन सा रखना है, एबीसी. तो पहले क्वेश्चन में एबीसी और डिनोमिनेटर में लेना है एरिया ऑफ ट्राइंगल. इसका आप ध्यान रखना, अगर ऊपर नीचे लिख दोगे तो फिर ये ऑब्जेक्टिव में आंसर मैच नहीं करेंगे, रॉन्ग आंसर आ जाएगा. क्योंकि क्वेश्चन में एबीसी पहले लिखा है, तो हमें एबीसी को ऊपर रखना है और बीडी को बाद में. अब इसकी साइड का रेशियो देखते हैं, एबीसी ऊपर है ना, पहले एबीसी ट्राइंगल. तो एबी अपॉन क्या हो जाएगा, बीई, एबी अपॉन बीई होल स्क्वायर इक्वल टू बीसी अपॉन बीडी होल स्क्वायर इक्वल टू एसी अपॉन ईडी होल स्क्वायर. तो ये यहाँ पे हो गया, ये हमने यहाँ पे जो हम ट्राइंगल में एरिया थ्योरम थी वो हमने यहाँ पे यूज कर लिया. अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में एक और हिंट गिवन है कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी. तो यहाँ पे सिंस डी इज द मिड पॉइंट ऑफ, सिंस डी इज द मिड पॉइंट ऑफ, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी. तो दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू बी डी. क्योंकि हमें यहाँ पे बीसी है ना, तो बीसी की वैल्यू हमें पुट करनी है, इसलिए हमने ये ले लिया. अब हमें यहाँ पे देखो, यहाँ चार रेशियो है, लेकिन हम सिर्फ कौन सा लेंगे, ये और ये, इनको हम नहीं लेंगे, ये दोनों को, इसकी हमें जरूरत नहीं, सिर्फ आंसर फाइंड करने के लिए ये दोनों भी. तो यहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखते हैं बी सी अपॉन बी डी स्क्वायर. तो यहाँ पे बी सी की वैल्यू पुट कर लेते हैं फ्रॉम सेकेंड से, तो ये हो गया फ्रॉम सेकेंड. तो बी सी की यहाँ पे वैल्यू पुट करें, टू बी डी अपॉन बी डी स्क्वायर. तो बी डी से बी डी कैंसिल, टू का स्क्वायर हो गया फोर, और ये हम डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था, हम वन राइट करते हैं. तो दिस इम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इक्वल टू
4/1। तो रिशा बताओ इसमें से कौन सा आंसर होगा। तो आंसर हमारा होगा आंसर नंबर सी, सी इज द करेक्ट आंसर, 4:1। तभी तो मैं आपको कह रही थी अगर आपने ये डिवाइड में गलत लिख दिया तो आपका आंसर 1:4 आ जाएगा, फिर वो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि रेशियो हमें एबीसी और बीडीई में देना है। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हमें रेशियो लिख के बताना है। तो मैं 9th पार्ट भी आपको इसी में सॉल्व करा देती हूँ, वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। तो इस 9th क्वेश्चन है यहाँ पे, 9th क्वेश्चन इज साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर इन द रेशियो 4:9, देन फाइंड एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो। तो हमें यहाँ पे दो सिमिलर ट्राइंगल की साइड का रेशियो यहाँ पे गिवन है, तो हमें उनके एरिया का रेशियो फाइंड करना है। तो थ्योरम नंबर, जब भी आप क्वेश्चन में एरिया देखो तो आपको थ्योरम नंबर 6.6 ही यूज करना है। तो वहां पे क्या है कि क्योंकि दोनों ट्राइंगल हमें यहाँ पे सिमिलर गिवन है, तो ट्राइंगल ए बी सी, लेट की ए बी सी सिमिलर पी क्यू आर है, ओके। तो दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन, ये बी है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ये मैं यहाँ पे दो ट्राइंगल ड्रॉ कर देती हूँ, ये ए, ये बी, ये सी, ये पी, ये क्यू, ये आर। तो यहाँ पे दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो एरिया में क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू, साइड के स्क्वायर के रेशियो के साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है ना, तो यही पे लिख लिया, बी सी अपॉन क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमें एक दो साइड का रेशियो गिवन है ना, मीन्स कि हमें यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू हमें गिवन है 4/9, ये हमें यहाँ पे गिवन है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिर्फ इसी को यूज कर लेते हैं क्योंकि दो ही रेशियो हमें गिवन है, तो सिर्फ इसी को यूज करके हम इसका आंसर फाइंड कर ले। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे ए बी की, 4/9 का क्या हो गया स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और 9 का स्क्वायर हो गया 81। तो रेशियो कितना हो गया फिर, क्योंकि हमें रेशियो में आंसर देना है, रेशियो 16:2 कितना हो गया 81। तो इसका आंसर कहाँ है, डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस करना ना भूले। थैंक यू।